हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ये उसका लॉजिक डायग्राम है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आईसी होनी चाहिए नैंड गेट की, IC7400। इसे हम सबसे पहले ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। आईसी कनेक्शन, VCC कनेक्शन, ग्राउंड कनेक्शन एंड LED कनेक्शन, ये सभी चीजें मैंने बेसिक गेट्स की वीडियोस में बताई है, लाइक एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट। तो अगर बेसिक चीजें नहीं पता है तो उन बेसिक वीडियोस को देख लेना, उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम को अगर देखें तो इसके अंदर ए बी एज अ इनपुट देना है। तो इनपुट के लिए हम दो वायर ले लेंगे। पहले वायर को हम फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, दूसरे वायर को सेकंड टर्मिनल से। देखिए, इसका आउटपुट आएगा थर्ड टर्मिनल से इसका आउटपुट लेंगे हम। एक वायर, येलो वाला वायर हम थर्ड टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहे हैं एंड इसका आउटपुट देखिए, ये जो येलो वाला वायर है उसे हमें वापस से नैंड गेट में देना है। तो इस येलो वाले वायर को हम कनेक्ट करेंगे फोर्थ टर्मिनल से। उसके बाद हम एक और वायर लेंगे एंड इसे हम फोर्थ टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है उसे हम फिफ्थ टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे एंड देन इसका आउटपुट आएगा सिक्स टर्मिनल से। सो सिक्स टर्मिनल पे हम एक LED कनेक्ट कर देंगे आउटपुट इंडिकेट करने के लिए। अब इसके बाद हम इसका ग्राउंड एंड VCC कनेक्शन कर देंगे IC का। उसके बाद हम इस सर्किट को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हम एक वायर को हमने VCC से कनेक्ट किया और एक वायर को ग्राउंड से कनेक्ट किया। अब जिस वायर को हमने VCC से कनेक्ट किया इसे हम सर्किट, ये जो हमारा पावर सप्लाई है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे और ये जो ग्राउंड से जिस वायर को कनेक्ट किया था उसे नेगेटिव टर्मिनल से। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें अब ये क्या है, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, मीन्स अगर हम इनपुट 1-1 दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, मीन्स LED ऑन होगी। चलिए करके देखते हैं। देखिए, हमने इनपुट 1-1 दिया तो हमारा LED ऑन हो गया। उसी तरह अगर हम इनपुट 0-0 देते हैं तो देखिए हमारा LED ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 0-0 हमें पता है एंड गेट में 0 होता है। अगर हम 0-1 भी देते हैं देखिए तो हमारा LED ऑफ है। अगर हम 1-1 देंगे तो ही LED ऑन होगा, क्योंकि एंड गेट में 1-1 पे ही आउटपुट आता है। सो फ्रेंड्स, ये था एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। आई होप आपको समझा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले।